हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। क्या करें जब कोई आपके प्यार की वैल्यू को ना समझे? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं जो बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने आप ही अपना वैल्यू कम करते हो, और वही आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना वैल्यू कैसे कम करते हो। पहले जब आप रिलेशनशिप में थे अपने पार्टनर के साथ, तब आप इतना ज़्यादा अपने आप को अवेलेबल नहीं करते थे पार्टनर के सामने। जब भी आपका पार्टनर कॉल करता था या मैसेज करता था, आप उसको कहते थे कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। लेकिन उसके बाद से जैसे ही रिलेशन चलने लगा, तब से ही आपने क्या किया है, जब भी वो कॉल करता है आप उठा लेते हो, जब भी वो मैसेज करता है आप उसका रिप्लाई दे देते हो। चाहे आप सच में कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप उसको कभी ये शो ही नहीं करते हो कि आप सच में बिजी हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बोलते थे कि मैं अभी बिजी हूँ। तो यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको लगता है कि आप जितना ज़्यादा पार्टनर के लिए अवेलेबल रहोगे, जितना ज़्यादा उसको प्यार दिखाओगे, जितनी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसका केयर करोगे, पार्टनर भी आपको लेके उतना ही केयर करेगा, उतना ही वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन ये एकदम उल्टा होता है। जितना आप किसी को लेके सीरियस हो जाओगे, जितना आप किसी को लेके केयर करोगे ना, उतना ही वो इंसान आपको लेके कैजुअल हो जाएगा, उतना ही उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा ही आजकल आपके साथ होता है, और इसलिए आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है और आपको भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बस इतना है कि आपको ना अपने आप में थोड़ा चेंजेस करनी है। कैसा चेंजेस करनी है? अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। जैसे आप पहले बोलते थे कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, या बाद में तुमसे मैसेज में बात करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। जो जो गलती आप किए हो उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। अब कई कई लोग यहाँ पे बोलेंगे मुझे कि इससे पार्टनर को खराब लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, नाराज़ हो जाएगा वो। तो होने दो नाराज़, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हो ना, आप उसके साथ इतना ज़्यादा चिपके हुए हो ना कि उसको आपको लेके सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही आप अपना ध्यान जो है उसको पार्टनर से हटा के अपने लाइफ में दोगे, अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, तो पार्टनर भी आपको लेके सोचेगा कि अरे यार क्या हुआ, ये तो मुझे लेके इतना पागल नहीं हो रहा है, ये तो इतना अवेलेबल भी नहीं हो रहा है, क्या हुआ, ये क्या मुझे भूल रहा है धीरे धीरे। तो उसको ये चीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ वो सोचेगा, ठीक है, कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरे पीछे दीवाना था, ठीक है, आजकल तो ये मेरे साथ बहुत कैजुअल हो रहा है। तो वो तरसेगा आपके लिए, वो फिर आपका अटेंशन मांगेगा कि कैसे भी करके आप उसको अटेंशन दो, कैसे भी करके आप उसके लिए पागल रहो जैसे आप रहते हो। तो ये तब उसको फील होगा। लेकिन उस चीज़ को फील कराने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना होगा, थोड़ा कम अवेलेबल रहना होगा, तभी आपकी जो वैल्यू है कि आप भी एक इंसान हो, आपकी भी टाइम की कोई कीमत है, ये चीज़ उसको रियलाइज़ होगी। जैसे कि मान लो एप्पल का जो आईफोन आता है, उसका एक ब्रांड है कि वो एप्पल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप अभी अपने आप को एंड्रॉयड जो है उससे भी कम क्वालिटी का जो एंड्रॉयड मिलता है, जैसे कि नोकिया 1155, ऐसा आपने खुद को बना दिया है। लेकिन एक्चुअली में आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो इमेज है सबके सामने, वो आईफोन वाला ही है। लेकिन आपने क्या किया है ना, अपना जो खुद का पर्सनल इमेज है ना पार्टनर के सामने, नोकिया 1155 की तरह कर दिया है। तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लो, काम को प्रायोरिटी दो, पार्टनर को प्रायोरिटी दो, लेकिन हद से ज़्यादा अवेलेबल होना कम कर दो, हद से ज़्यादा अपना फीलिंग्स को दिखाना भी कम करना होगा आपको, ठीक है।
आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।